लगा नैब की बड़ी कार्रवाई, बड़ी करप्शन पकड़ी गई। कोयटा में सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के घर छापा, 63 करोड़ रुपए की नकदी, 4 करोड़ रुपए का सोना कब्जे में ले लिया गया। मुश्ताक रईसानी को करप्शन पर आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। जिला अस्पताल कराची में डॉक्टर आसिम से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें जारी। शर्मिला फारूकी ने साबिक वफाकी वजीर को अहम सियासी शख्सियत का पैगाम पहुंचाया। डॉक्टर आसिम पर आज करप्शन केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। जो सड़कों और जो चौराहों को रोकने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? दोनों पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। दहशतगर्द और एहतजाजियों का एजेंडा एक है, दोनों मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सखर जलसे में मुखालिफीन पर चढ़ाई, खुर्शीद शाह से शिकवा भी कर डाला। बोले, हम आपके शहर में नए पुल बना रहे हैं और आप हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। मुल्तान सखर मोटरवे का भी इफ्तिताह। मियां साहब, इत्तेसाब आपका होगा, इत्तेसाब हो और आप चाहते हैं तो मेरा भी साथ साथ आपके हो। किसी मुल्क के सरबराह ने ये नहीं हरकतें की जो मौलाना साहब आप कर रहे हैं। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, दहशतगर्दी कैसे हो गई? इमरान खान का सवाल। वजीर आजम को एहतसाब पर सिंगल विकेट मैच का भी चैलेंज, कहा, सबसे पहले मेरे और मियां साहब के एक साथ एहतसाब के लिए तैयार हूँ। इंतखाबात में पाकिस्तानी नियाज सादिक खान सबकत ले गए। लेबर पार्टी के उम्मीदवार ने 44% वोट हासिल किए। कंजर्वेटिव के जिग गोल्डस्मिथ 35% वोट के साथ दूसरे नंबर पर। लंदन मेयर के लिए वाजे बर्तरी हासिल ना करने पर दोनों में 1-on-1 मुकाबला होगा। और एशियन कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में पाक भारत टाकरा जारी। पाकिस्तानी खिलाड़ी टाइटल का दिफा कर रहे हैं।